अभी हाल ही में टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म की मेकिंग वीडियो वायरल हुई है। दरअसल ये फिल्म है मिशन ईगल, जिसकी शूटिंग बड़ी तेजी से हो रही है। इस हाई ऑक्टेन फिल्म से टाइगर श्रॉफ का कमबैक कंफर्म है। खैर, ये फिल्म 15 दिसंबर 2022 को अनाउंस कर दी गई थी। लगभग 5 महीने फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। दरअसल ये लोकेशन इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम का है, जो बेसिकली फुटबॉल मैच के लिए जानी जाती है। हालांकि यहाँ पर कई बार कंसर्ट भी होते हुए देखा गया है। खैर, इस स्टेडियम के आगे टाइगर श्रॉफ की एक एक्शन सीक्वेंस शूट हुई थी। टाइगर स्केटिंग शूज पहनकर स्टंट करते हुए नजर आए थे। उन्हें रेलिंग पर कूदकर स्टंट करते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि वह कोई डबल बॉडी नहीं बल्कि खुद टाइगर श्रॉफ है। खैर, इस सीक्वेंस के बाद टाइगर और अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग होने लग गई थी और फिर उस फिल्म में टाइगर श्रॉफ बिजी हो गए थे। खैर, वह फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन अब जाकर टाइगर को छुट्टी मिली है और वह अब वह मिशन ईगल की शूटिंग में लग चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के पहले सीक्वेंस में सारा को लेकर शॉट्स ले गए थे, बट बाद में उसका इंटरेस्ट इस फिल्म से खत्म हो गया, जिसके बाद उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिर जाह्नवी कपूर को कास्ट किया जाना था, बट उन्होंने भी फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था। उसके बाद टाइगर की एक्स गर्लफ्रेंड यानी दिशा पटानी को फिल्म के लिए मना लिया गया, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगी। खैर, फिल्म का यह सीन एक रेलवे स्टेशन का होने वाला है। साथ ही आप पीछे एक VFX स्टूडियो के अंदर ट्रेन की जैसी लंबी सेट देख सकते हैं। खैर, फिल्म में दिखाई जाने वाली ट्रेन के अंदर होने वाली यह फाइट सीक्वेंस हो सकती है। यहाँ टाइगर एक विशेष तरह की कटार से बहुत सारे लोगों को मारते दिखे थे। फाइनल शूटिंग से पहले उन्होंने काफी प्रैक्टिस करी थी। सिनेमैटिक कोरियोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी के लिए इंटरनेशनल टीम को भी हायर किया गया था, जिन्हें आप स्टंट कोरियोग्राफी करते हुए देख सकते हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले ही टाइगर श्रॉफ की फिल्म कंट्रोवर्सी से घिर गई है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने शाहरुख खान की जवान फिल्म की स्टंट और उनका लुक चुराई है। दरअसल इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का लुक जवान फिल्म के शाहरुख खान की तरह है। वहीं फिल्म में अगर इस तरह का फाइटिंग सीक्वेंस हुआ या फिर ट्रेन के अंदर का कोई भी सीन हुआ तो लोग सीधा इसे कॉपीकट बताने लगेंगे। खैर, अब तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर आप टाइगर श्रॉफ के इस हाई ऑक्टेन फिल्म का वेट कर रहे हैं तो हमें बताइए, और इसी तरह के शूटिंग वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।